सबको जय मसीह की। आज के अध्ययन में आपका स्वागत है और आज आप सारे इस अध्ययन में शामिल है, इसलिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। आज के अध्ययन शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए, खासकर बाइबल के अध्ययन के लिए आपने हमें एकत्रित किया है, इसलिए आपके शुक्रगुजार है प्रभु जी। प्रभु जी, हम सारों को हिम्मत, ताकत, पवित्र आत्मा का मसा और तंदुरुस्ती देना प्रभु जी, और एकाग्र मन देना, ताकि इस अध्ययन को समझकर हम अपने आप में आत्मिक उन्नति ला सके, आत्मिक उजागरता ला सके प्रभु जी, और बाइबल के वचनों से प्यार कर उन्हें पढ़कर, उन्हें समझकर उसके अनुसार चलने वाले तो हमें बता। इस अध्ययन को हम सारों के लिए आशीष ठहराना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आज हम उत्पत्ति 1 से लेकर 11 तक अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन का विषय है सृष्टि की रचना। आज हम इस अध्ययन में खासकर उत्पत्ति 1 से लेकर 11, इन अध्यायों में उत्पत्ति की क्या कहानी लिखी है वो संक्षेप में जानेंगे। और इस अध्ययन के लिए आप एकाग्र मन रखिए, वचनों का समझने के लिए आप पूरी तरह ध्यान लगाइए, और खासकर इस अध्ययन होने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप उत्सुक होकर उत्पत्ति 1 से लेकर 11 तक पूरी तरह पढ़ी कर समझने की कोशिश करना। उत्पत्ति के सबसे पहले 1 से लेकर 11 तक जो अध्याय है वो बाइबल समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस अध्यायों में उत्पत्ति के 3 मेन किरदार हैं और उन 3 मेन किरदारों का नाम है आदम, इनोक और नोआ। इनको आदम, इनोक और नू भी कहा जाता है। 4 खास वाक्य इन 1 से लेकर 11 उत्पत्ति में हुए हैं। एक तो सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि का पतन हुआ है, वहां प्रलय आया हुआ है और बाबेल का टावर का निर्माण हुआ है। 4 जो विशेष घटनाएं हुई है मैं फिर से बताऊंगी। सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति का पतन हुआ है, महाप्रलय आया है और बाबेल का टावर, इसकी कहानी इन 11 अध्यायों में दी गई है। उत्पत्ति की कहानियों में हम देखेंगे कि हर एक चीज, छोटी बड़ी, जो इस सृष्टि में है, जो इस अर्थ पर है, सारी चीजों का निर्माण, इसके बारे में संक्षेप में इस 11 अध्यायों में लिखा हुआ है। इन 11 अध्यायों में सबसे पहले बताया गया है परमेश्वर ने श्रम करने के बाद उसने विश्राम भी लिया है। इन 11 अध्यायों में हमें इस कहानी का बारे में बताया जाता है कि अदाम की उत्पत्ति कहाँ, कैसे हुई, यानी अदाम सबसे पहले सृष्टि में कैसी आया और सबसे पहला व्यक्ति कैन किस तरह इस धरती पर जन्म लिया, यानी अदाम और हवा के बेटा कैन के बारे में भी इन 11 अध्यायों में लिखा हुआ है। इन 11 अध्यायों में आबेल का मृत्यु कैसे हुआ, सबसे पहले व्यक्ति जो इस धरती का, वो किस तरह मरा, उसके बारे में दिया गया है, और सबसे पहला व्यक्ति जिसको अपने आप स्वर्ग में उठा लिया गया, उसका नाम था इनो, उसकी भी कहानी इन 11 अध्यायों में दी गई है। इन कहानियों में एक सर्प से, एक कबूतर से, एक कौवे से भी हमारी पहचान होती है। यहाँ पर इन अध्यायों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा किस तरह स्थापित होते हुए इस सृष्टि में हम देखते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह, उसका उद्धार भी इस धरती पर किस तरह स्थापित हुआ, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले दुनिया में लोग रहने वाले कैनाइट सिविलाइजेशन, इसके बारे में भी इस अध्याय में बताया गया है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मैथ्यू सलाह के बारे में भी जेनेसिस 1-11 में बताया गया है। सबसे पहली शादी आदम और हवा की हमें इन अध्यायों में बताई जाती है। सबसे पहला खून जो कैन ने किया, उसके बारे में भी कहानी इन अध्यायों में बताई गई है,
और इन अध्यायों में पहले से लेकर 11 तक बहुत सारी संक्षेप में और भी बात बताई गई है, जैसे सृष्टि के पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, सृष्टि रचना के तीसरे दिन क्या हुआ, सृष्टि रचना के चौथे दिन क्या हुआ, पांचवें दिन क्या हुआ, छठवें दिन क्या हुआ, 7 दिन में क्या हुआ, ये सारी बातें संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से समझाकर हमें जेनेसिस 1 to 11 में बताई गई है। इन 11 अध्यायों में हमें बताया गया है कि इन सृष्टि की सारी चीजें फिर से दूषित कैसे हो गई। हमें यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि शैतान का काम और शैतान की चालाकी इस सृष्टि को दूषित करने में किस तरह इस्तेमाल हुई है। आदम के पाप के बारे में भी कहानी बताई गई है, आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप कैसे आया, हवा के द्वारा इस दुनिया में पाप कैसे आया, उसकी कहानी भी इन अध्यायों में लिखी गई है। और कैन और एबल, इन दोनों भाइयों की, आदम और हवा के बेटे कैन और एबल, इन दोनों की भी कहानी इस अध्याय में लिखी गई है। इनोक जो व्यक्ति अपने आप धरती से स्वर्ग में उठा गया है, जिसने मृत्यु नहीं देखी, उस व्यक्ति की कहानी इन 11 अध्यायों में लिखी गई है। इन 11 अध्यायों में एक भाग ऐसा भी है जिस वक्त महाप्रलय इस दुनिया में आया, बहुत सारी बारिश हुई, बहुत सारा पानी इस दुनिया को पूरी तरह ढक दिया, इस कहानी का भी वर्णन इन 11 अध्यायों में लिखा गया है। 11 अध्यायों में ये भी बताया जाता है कि महाप्रलय की पहले की परिस्थिति क्या थी, महाप्रलय के बाद की परिस्थिति क्या है, और महाप्रलय के बाद क्या क्या लोगों ने किया, इस कहानी में भी ये बताया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले दिन, सृष्टि रचना के दिन, सबसे पहले उजियारे का निर्माण हुआ और परमेश्वर का आत्मा इस दुनिया पर, इस सृष्टि पर मंडरा रहा था। दूसरे दिन पानी को अलग किया गया पृथ्वी से, पानी अलग और धरती अलग, इस तरह दूसरे दिन ये काम हुआ। तीसरे सृष्टि के दिन सारे पेड़ पौधे वृक्ष इस सृष्टि पर निर्मिति में आए। चौथे दिन सूरज चांद और सितारे इस सृष्टि पर निर्मिति में आए। पांचवें दिन पानी में रहने वाले मांस मछली, मछलियां, जानवर जो पानी में रहते हैं वो निर्माण में आए, और आकाश में उड़ने वाले प्राणी भी, पशु भी और पक्षी भी पांचवें दिन इस सृष्टि में आए। छठवें दिन मनुष्य की सृष्टि हुई या मनुष्य की रचना हुई। मनुष्य जो है, परमेश्वर ने सर्वोच्च सृष्टि का निर्माण का उसको रैंक मिलता है, यह मनुष्य जो है सबसे उत्तम सृष्टि परमेश्वर की है। मनुष्य को कहा गया था कि इस अर्थ को या इस सृष्टि पर पूरी तरह से प्रभुता करनी है। मनुष्य को कहा गया था परमेश्वर ने कि इस सृष्टि का उसने आनंद लेना है। इस आनंद लेते वक्त उसने हर एक पेड़ के वृक्ष का फल खाने की उसको इजाजत दी, जीवन के वृक्ष के फल के भी खाने की इजाजत थी, पर मनुष्य को ज्ञान और बुद्ध का, जिसमें बुरे और भले का ज्ञान मिलेगा, उस वृक्ष के फल खाने का इजाजत नहीं दी। मनुष्य को जानवरों को नाम देने का भी काम सौंपा गया था, और मनुष्य को परमेश्वर ने एक बीबी का भी इंतजाम किया, एक सहायक का भी इंतजाम किया, जिसका नाम था हवा। 7वें दिन जब 1 से 6 दिन ये सारे काम हुए, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम दिया। 7वें दिन को कहा जाता है कि परमेश्वर इस सृष्टि रचना से खुश हुआ और उसने आराम किया। ये सिर्फ एक ही वाक्य है जहां पर बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने विश्राम किया है।
बाद में हम ये देखते हैं कि हर एक चीज का दुषीकरण हुआ और हर एक चीज अशुद्ध सी हो गई, और इस अशुद्ध करने का काम सबसे ज्यादा उस पर निर्भर था जिसका नाम है शैतान। शैतान ने क्या किया, उसने धरती का जीव सर्प उसके अंदर जाकर हवा से बातचीत की। उसने हवा से बातचीत करते वक्त शैतान ने सर्प के अंदर से कहा कि वो परमेश्वर के बातों को मानना बंद कर दे और वो परमेश्वर की बातों को अच्छी तरह समझ नहीं रही है, इसलिए उसको भ्रम में पा दिया। शैतान ने सबसे बड़ा काम ये किया कि हवा के मन में परमेश्वर की बातों के बारे में डाउट पैदा किया या संदेह पैदा किया। जब हवा ने शैतान की बातें सुनी, तब हवा ने अपने दिमाग से उसको उत्तर देने की प्रयत्न किया, बट शैतान ने हवा को मन की बातों को बहुत ज्यादा उलझाया, और शैतान ने सबसे आखिर में ये काम किया कि उसने हवा को उत्तेजित किया कि वो परमेश्वर की बातों को ना माने। परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा, अगर उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं की उल्लंघना की तो वो जरूर मरेंगे, बट शैतान ने उन्हें भ्रम में पाया कि ऐसा नहीं होगा कि वो मरेंगे नहीं अगर वो बातों की उल्लंघना करते हैं। इस तरह बातों में उलझा कर, मनों का अशुद्धिकरण कर शैतान ने हवा और आदम को परमेश्वर की बातों को डिसोबे या ना मानकर आज्ञा उल्लंघना करने के लिए उत्तेजित किया। सबसे पहला पापी आदम और हवा इस दुनिया के बने। जब आदम और हवा ने पाप किया, भले और बुरे वृक्ष का फल खाया, तब वो सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के डर के कारण वो अपने पाप को छुपाने लग गए। ये जो पाप आदम और हवा ने किया, उसके वजह से आदम और हवा और सारे सृष्टि पर क्या ताड़ना आई। आदम के ऊपर ताड़ना आई कि वह उम्र भर बहुत ज्यादा कष्ट करके, काम करके, पसीना बहाकर, रोटी बनाकर वो अपने आप को तृप्त करेगा। हवा के ऊपर या स्त्री जाति के ऊपर ताड़ना आई कि जब वो बच्चा जनेगी तब उसे बहुत पीड़ा होगी और वो हमेशा के लिए मनुष्य के या नर जाति के सबॉर्डिनेशन में रहेगी या नर जाति के अधीन रहेगी। सृष्टि के ऊपर ताड़नाएं कि सृष्टि के ऊपर इसके बाद ऊटकटेरे और थॉर्न्स ये इस धरती पर उगने लग जाएंगे। सर्प के ऊपर ताड़नाएं कि वो उम्र भर अपने पेट के बल रेंगेगा, और इन सारों में जब ये ताड़ना आई, आदम के ऊपर आई, हवा के ऊपर आई, सृष्टि के ऊपर आई, सर्प के ऊपर आई, इसके बावजूद परमेश्वर का अनुग्रह आदम और हवा पर था। इसके बावजूद भी उन्होंने पाप किया, आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने आप सिलकर कपड़ों का निर्माण किया और उन्हें कपड़े पहनाए। परमेश्वर ने आदम और हवा को इस घटना के बाद अदेन वाटिका में, जहां उन्हें वहां पर रहने का स्थान परमेश्वर ने ठहराया हुआ था, वो अदेन वाटिका से अदम और हवा को उसने परमेश्वर ने वहां से उनको निकाल दिया। इसके बाद हम देखेंगे उस कहानी को जिसने में लिखा है कि आबेल का मृत्यु किस तरह हुआ। आबेल का मृत्यु इस तरह हुआ कि जब ईव ने या हवा ने सबसे पहले बेटे को जन्म दिया कैन को, और कैन के बाद आबेल हवा का दूसरा बेटा था। जब परमेश्वर के सामने अर्पण करने की बारी या शुक्रगुजारी करने की बारी आई, तो कैन की जो शुक्रगुजारी की भेंट थी वो परमेश्वर को कबूल नहीं हुई, बट अबेल की जो शुक्रगुजारी की भेंट थी, जो उससे परमेश्वर के आगे समर्पण की,
वो भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की, और इसी घृणा के कारण, इसी तिरस्कार के कारण, इसी गुस्से के कारण कि अबेल की शुक्रगुजारी की भेंट कबूल हो गई और मेरी कैन की भेंट कबूल नहीं हुई, तब कैन को गुस्से ने आकर उसने अपने भाई अबेल को मार दिया। कैन इस दुनिया का सबसे पहला खून करने वाला व्यक्ति था और कैन इस दुनिया का सबसे पहला झूठा व्यक्ति भी था। कैन ने जब अबेल को मार दिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि तेरा भाई अबेल कहाँ है? तब उसे कहा कि मैं क्या अबेल का देखने वाला हूँ, उसके सारे बातों का ध्यान रखने वाला हूँ? यानी उसने ये भी नहीं सोचा कि परमेश्वर हर एक चीजों को ज्ञात रखता है, सारी चीजों के बारे में उसको पता है। फिर भी उससे कहा कि मुझे पता नहीं कि मेरा भाई अबेल कहाँ है। जब कैन के बारे में पता चला कि उसने अबेल का मृत्यु किया है, उसको खून किया है, तब कैन के ऊपर से जो जो आशीषें होने वाली थी वो सारी आशीषें खत्म हो गई, वो सारे आशीषों से वो वंचित हो गया और उस पर एक सर पर मार्क लगाया गया कि उसको आगे चलकर कोई मारे भी ना। कैन ने एक जगह का निर्माण किया और इस जगह का नाम इनोक है, और इस जगह इनोक का नाम की जगह का मतलब है डेडिकेशन या समर्पण, और इस जगह को कैन ने निर्माण किया। जबाल एक व्यक्ति था जिसने टेंट के निर्माण किए, और वो टेंट के निर्माण के कारण जिस तरह भूली भटकी जमातियां घूमते फिरते रहती है, उस तरह जबाल इन लोगों का फोरफादर था। जबाल जो था वो भेड़ बकरियों को और जानवरों को पालने वाला सबसे पहला व्यक्ति भी था। उसके बाद जुबाल, जुबाल जो व्यक्ति था उससे हर तरह के वाद्य या बजाने वाले साज का निर्मिति करने का काम किया। टूबल केन जो व्यक्ति था उसने सबसे पहले लोहे के और ब्रॉन्ज के हथियार या चीजें बनाने की निर्मिति की। यानी टूबल केन सबसे पहला व्यक्ति था जिससे लोहे के और तांबे के यंत्रों का निर्माण किया। हम देखते हैं कि इसके आगे की जो कहानी है उन अध्यायों में इनोक इस व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इनोक कौन था? इनोक उन व्यक्तियों में से है जो सीधे स्वर्ग में बिना मौत को देखे स्वर्ग में सीधा पहुंचने वाले व्यक्तियों में से एक था, और इनोक जो व्यक्ति था वो सबसे पहले जल प्रलय से पहले वो इस दुनिया इस सृष्टि में रहता था। इनोक जो व्यक्ति था उसमें विश्वास बहुत था और वो परमेश्वर के डर के साथ और परमेश्वर के अधीनगी में चलता था। इनोक जो व्यक्ति था उसके बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति स्वर्ग में बिना शारीरिक मृत्यु के सीधे स्वर्ग में पहुंच गया। अब हम देखेंगे इन 11 अध्यायों में उत्पत्ति के और एक कहानी के बारे में बताया जाता है, और वो है महा जल प्रलय के बारे में। इस जल प्रलय के बारे में कहा जाता है कि इस जल प्रलय के वक्त किस किस तरह की इस सृष्टि में कार्य चल रहे थे। इस जल प्रलय के वक्त देखा जाता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की सृष्टि हो गई थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, और हर एक व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि परमेश्वर को आज्ञाओं का उल्लंघन ना करने की। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी कर रहा था, और इस जल प्रलय के वक्त बहुत सारा पाप इस दुनिया में फैल चुका था। हर एक व्यक्ति चाहे बोलने में हो चाहे चाल चलन में हो, हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा जहरीला या बहुत ज्यादा गंदगी से भर चुका था। ये जब चीजें सब इस सृष्टि का हाल जब परमेश्वर ने देखा, तब उसको बहुत दुख हुआ
और उसके हृदय में बहुत पीड़ा हुई कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया तो किया क्यों, जब मनुष्य इतना दुष्ट बन गया है, इतना गंदगी से भर गया है, इतना पाप से भर गया है, इतना अन्याज्ञाकारी से भर गया है, इतना रिबेलियन से भरता है, तो परमेश्वर के मन में बहुत दुख हुआ। जब परमेश्वर के मन ने ये पूरे सृष्टि को देखा और उसने देखा कि जिस तरह पहले दिन इस सृष्टि का चेहरा था, जिस तरह पहले के दिनों में इस सृष्टि बहुत पाक पवित्र साफ सुथरी और पावन थी, उस पावनता को खुद थोड़ा सा भी इस सृष्टि में देखा नहीं जाता। इस वजह से परमेश्वर का हृदय भी शोकित हो रहा था, इसलिए परमेश्वर को कुछ ना कुछ इस धरती के बारे में सोचना पड़ा और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो इस धरती का नाश करेगा और ये नाश महाजल प्रलय के द्वारा होगा। जब ये महाजल प्रलय हुआ, तब उसने नूह इस व्यक्ति का चुनाव किया कि जल प्रलय में कुछ मानव जाति इस जल प्रलय में बचाई जा सके। नूह का परिवार, नूह की बीवी, नूह के 3 बेटे और हर एक नर और नारी पशु पक्षी का और जीवित रेंगने वाली चीजों का, इन सारी सृष्टि में से नूह को आज्ञा दी गई कि वो एक तारों में, वो एक शिप में लेकर जाकर परमेश्वर के आज्ञा से इस शिप में वो बैठ जाए। नूह ने इस तारों का निर्माण किया, इस जहाज का निर्माण किया और नूह इस जहाज में बैठने के बाद 40 दिन और 40 रात इस धरती पर बहुत ज्यादा तेज वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि पूरा का पूरा धरती के व्यक्ति, जीव जंतु, सारी जीवित ना जीवित चीजें, सारी कुछ नष्ट हो गई। इसके बाद जब धरती पूरी तरह सूख गई, तब ये जहाज जिसमें नूह, उसका बेटे, उसकी बहू और बीवी थे, वो एक जगह माउंट अरारात या अरारात पर्वत पर ये जहाज जाकर रुक गया। जब ये जहाज जाकर रुक गया, मनुष्य के साथ परमेश्वर ने करार किया कि आगे परमेश्वर कभी इस धरती का नाश नहीं करेगा और पानी से तो कभी भी इस धरती का नाश नहीं होगा, जब भी नाश होगा तब आग के द्वारा इस धरती का नाश होगा। जब ये सारी बातें हुई, तब उसके बाद इस महाजल प्रलय के बाद ये बातें हुई कि सारी चीजों के बारे में कंफ्यूजन होने लग गया। और कंफ्यूजन किस तरह होने लग गया, मनुष्य ने मैं सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा मीनार बनाऊंगा, बहुत बड़ा टावर बनाऊंगा और इस टावर का निर्माण करने का काम निम्रोद इस व्यक्ति ने सोचा और इस प्रोजेक्ट का नाम या इस टावर का नाम बाबेल था। और जब ये बाबेल का टावर, जब मनुष्य ने सोचा कि मैं ना स्वर्ग तक, जहां तक परमेश्वर है वहां तक इस टावर ऑफ बाबेल को, वहां तक इसको लेकर जाऊंगा, जब परमेश्वर ने मनुष्य का जो ढीठपन या गुरूर जब देखा कि वह परमेश्वर तक पहुंचने की बातें कर रहा है, तब परमेश्वर ने ये किया कि उसने उस वक्त हर एक व्यक्ति की भाषा बदल दी और हर एक व्यक्ति और सारे इंसानों को अलग अलग भाषाओं के ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। यानी मनुष्य जाति इस कंफ्यूजन में हो गई कि वो अब एक दूसरे की भाषा अपने अपने ग्रुप के लोगों में समझने लगी। यानी अलग अलग ग्रुप हो गए जिसमें अलग अलग विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाने लग गई। इसका मतलब है कि इस तारों की बनाने की गुरुरियत के कारण जो एक भाषा पूरे दुनिया में थी, वो बदल के अनेक भाषाओं में इसका शुरुआत होगी। मनुष्य अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विभाजित कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन 11 अध्यायों में
कि अंत में उत्पत्ति 1 से लेकर 11 इस अध्यायों के अंत में हम देखते हैं कि मनुष्य जाति नूह के 3 बेटे शेम, हैम और जाफेत, इन 3 बेटों के सहारे इस दुनिया की सृष्टि आगे बढ़ने लगी। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने उत्पत्ति इसके 1 से लेके 11 अध्याय में सृष्टि रचना की हमने कहानी देखी। हमने आज देखा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। सबसे पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, पांचवें दिन क्या हुआ, छठवें दिन क्या हुआ, सातवें दिन क्या हुआ। हमने ये भी देखा कि सृष्टि के हर एक चीज का दूषीकरण या हर एक चीज अशुद्ध कैसे हुई। हमने ये भी देखा कि शैतान इन सारी चीजों को अशुद्ध करने का काम कैसे किया। हमने ये भी देखा कि आदम और हवा का पाप क्या था और उस पाप की ताड़ना आदम, हवा, सृष्टि और सर्प पर क्या हुई। हमने कैन और अबेल की भी कहानी आज देखी। कैन ने अबेल का मृत्यु क्यों किया ये भी हमने देखा। हमने आज इनोक इस व्यक्ति की भी कहानी देखी। हमने देखा कि इनोक जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। हमने इसके बाद ये भी देखा कि नूह इस व्यक्ति को कौन सा जहाज का काम सौंपा गया और इस सौंपे हुए काम को उसे कैसे पूरा किया। जल प्रलय के वक्त क्या क्या घटनाएं हुई। और हमने देखा कि टावर ऑफ बाबेल, बाबेल का तारू का निर्माण के वक्त किस तरह मनुष्य जाति के में भाषाओं का विभाजन हुआ, लोग अन्य अन्य भाषा क्यों बोलने लगे। और हमने ये भी देखा कि इस सृष्टि के लोग आगे चलकर इस सृष्टि कैसे चलने लगे ये आज हमने देखा। मेरे भाइयों और बहनों, आज के वचनों से हमने ये देखा कि मनुष्य को परमेश्वर ने किस तरह निर्माण किया, क्यों निर्माण किया और मनुष्य ने इस निर्मिति को परमेश्वर की तरफ क्या सिला दिया। परमेश्वर ने क्यों बनाया था मनुष्य को, इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए, इस सृष्टि पर प्रभुता करने के लिए और परमेश्वर को ताड़ना देकर इस सृष्टि का साथ क्या करना पड़ा ये आज हमने देखा। आज के वचनों से हमने ये सीख लिए कि परमेश्वर हर एक चीज अच्छे स्वरूप में हमें देता है, बट हमारी जो पाप की वृत्ति है उससे हम परमेश्वर के दी हुई चीज को किस तरह विशुद्ध या अशुद्ध कर देते हैं ये हमने आज देखा। आज से हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर के जो आशीषें दी हुई है उसको हम बहुत नम्रता से धन्यवाद करके उनको सजा कर रखकर उस आशीषों के द्वारा और आशीषें बढ़े, हम पर श्राप ना आए ये हमें बहुत अच्छी तरह देखना चाहिए। आज की यह वचन जो है वो आप कुछ दिनों के बाद शुभ संदेश YouTube चैनल पर फिर से देख सकेंगे। आपको आज के वचनों के द्वारा आशीष मिले। आमीन।